हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड अभी मैं गाइस इस समय हूँ होलबर्न मेट्रो स्टेशन पे, और ये स्टेशन हमारा आता है निको पार्क के जस्ट पास में है। एंड निको पार्क आप सभी को पता है सॉल्ट लेक में आता है। एंड ये स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी काम चल रहा है ज़ोर शोर से। एंड आज मैं गाइस यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे क्या स्टेटस है, कितना काम हुआ है, क्या क्या प्लेटफॉर्म पे कितना काम हुआ है, हो रहा है, नीचे कॉन्कोर्स पे कितना काम हुआ है, फिर आगे एंट्री एग्जिट जो गेट्स है वहाँ पर कितना काम हुआ है। सो, ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फास्ट काम हो रहा है। मैं यहाँ पे आगे 1 मंथ या 1.5 मंथ्स पहले आया था, तो उससे और अब मैं बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब अंतर है, काफ़ी यहाँ पर काम हो गया है। और ये जो गाइस ये जो मेट्रो स्टेशन आएगा ये है हमारा कोलकाता मेट्रो ऑरेंज लाइन पे। एंड जहाँ तक आप सभी को अभी पता होगा, अगर नहीं भी है पता तो मैं बता दूं कि रूबी से बेलेघाटा भी स्टार्ट नहीं होगा, रूबी से सीधा स्टार्ट होगा यहाँ तक सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक होगा, इसके बाद वाला स्टेशन है सेक्टर 5। और इनका जो अभी टाइमलाइन है वो दिसंबर था 2024, अब वो बढ़ के मार्च हो गया है 2025। इसके बारे में मैं एक अलग से बनाऊंगा वीडियो, जस्ट आपको मैं एक दे रहा हूँ हेडसअप दे रहा हूँ। और गाइस जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई नो काफ़ी लोगों ने अब तक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड गाइस मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, एक सपोर्ट मिलता है कि मेरा जो मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे लिए यूज़फुल भी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म का भी काम हो रहा है गाइस, और ये ऊपर ये शेड बन चुका है, पहले ये शेड नहीं था जब मैं आया था। गुड जॉब, इन्होंने शेड पूरा यहाँ पर बना दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़ोर शोर से भी काम चल रहा है, काफ़ी सारे लेबर्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन का यहाँ पर काम चल रहा है, मैं आपको अगर दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं अभी जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसके आगे भी प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है। इसका भी इन्होंने ब्लॉक लिया था, जो ब्लॉक मिल गया था तो यहाँ पर अभी ये काम हो रहा है। ये आई गेस ये साइड वाला कंप्लीट हो गया है, इधर की साइड की जो बाउंड्री बननी बाकी है और ये साइड में भी हो रहा है, तो ये 1 मंथ के अंदर आई गेस रेडी हो जाएगा। और आगे अगर मैं चलूं, बोथ साइड लिफ्ट्स का देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स कंप्लीट है, इधर में भी लिफ्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। नीचे अभी काम बाकी है, ये जो आपका सपोर्टिव है ये अभी यहाँ पर बना नहीं है, ये बनेगा। इधर आगे में भी प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम हो रहा है, ये देख सकते हैं लिफ्ट का है, ये डक्ट लिफ्ट का आएगा यहाँ पर, लिफ्ट भी आई गेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है बोथ साइड, स्विच भी यहाँ पर लग गया लिफ्ट का, ये सामने अंदर है लिफ्ट, ये साइड में भी देख सकते हैं इधर में भी लिफ्ट इंस्टॉल हो चुका है। काफ़ी ज़ोर शोर से काम हो रहा है, इधर आपके जो बाउंड्री जो वॉल्स हैं इसमें टाइल्स वाइल्स भी लग गया है। ये यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर्स पे ऊपर हो रहा है काम चल रहा है यहाँ पे, और आगे आगे भी काम हो रहा है, आगे मैं इतना चाहूँगा नहीं बट देख सकते हैं इधर में भी आगे में भी काम हो रहा है। अभी आगे में हमारा जो ऊपर का जो है शेड वो भी बना नहीं है, वो भी हो जाएगा। और इधर यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम चल रहा है आगे में, तो गाइज ये था स्टेटस प्लेटफॉर्म से।
और अभी काफ़ी काम यहाँ पर अभी बचा है प्लेटफॉर्म पे। आई गेस 3 मंथ्स के अंदर काफ़ी काम हो जाएगा। एंड अब मैं चलता हूँ नीचे कॉन्कोर्स लेवल पे, वहाँ भी मैंने अभी देखा है काफ़ी कुछ काम हो गया है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्कोर्स लेवल, फिर मैं दिखाऊंगा एंट्री एंड एग्जिट गेट। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं। इधर में भी ये पूरा एस्केलेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ये है हमारा कॉन्कोर्स लेवल। ये एस्केलेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, अभी मैं यहीं से आया हूँ। ये है हमारा कंट्रोल रूम, ये लिफ्ट जो जाएगी ऊपर जो मैंने दिखाया, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो चुका है, गेट्स बन गए हैं इसके। और ये सामने है हमारा बटन, ये एक और साइड है, यहाँ भी जो जा रहा है ऊपर लिफ्ट जा रहा है, यहाँ भी एस्केलेटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। ये सामने दूसरे साइड वाली लिफ्ट, ये भी इंस्टॉल हो गया है। जब मैं पिछली बार आया था तब इसका काम चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी, यहाँ पे भी हमारे एस्केलेटर्स इंस्टॉल हो गए हैं। और ये है हमारा कंट्रोल रूम है, और ये है सामने टिकट काउंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट काउंटर का लग गया बोर्ड भी। सो 3 काउंटर है जनरल, मतलब नॉर्मल, और एक है हैंडीकैप के लिए। सो बोर्ड्स लग गए हैं। ये मैंने बताया कंट्रोल रूम। सो एस्केलेटर्स यहाँ पे चारों साइड में इंस्टॉल हो चुका है, चारों मतलब चारों जो हमारे स्टेयरकेस है जो ऊपर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। ये एस्केलेटर्स के हैं सारे कार्ट्स, और ये है हमारा कस्टमर केयर। ये भी देख सकते हैं ये बूथ बन चुका है, इसका आपका डिस्प्ले बोर्ड भी इंस्टॉल हो गया है। ये एक एंट्री है जो कि सुपर बोल है निको पार्क साइड, निको पार्क से ये एंट्री है। इसका एंट्री एंड एग्जिट का भी मैं आपको एक बनाऊंगा वीडियो अलग से। और ये है गाइस इलेक्ट्रिकल स्विच रूम है, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी काम हो गया है। एबीबी का है तो स्विच गेयर्स है यहाँ पे। ये थोड़ा ये पार्ट मैं नहीं आपको दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा मींस काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। और एक एग्ज़िट आपका होगा इस साइड में। सो बेसिकली निको पार्क के साइड में 2 एग्ज़िट है, सॉल्ट लेक साइड में, और एक अपोजिट एंड में ये एक एग्ज़िट है, इस पर भी काम हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये लिफ्ट का ये रहा डक्ट है, यहाँ भी रहेगी लिफ्ट। और ये है हमारा एस्केलेटर, यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, लिफ्ट अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। ये स्टेयरकेस है, इस साइड से एंट्री है यहाँ पे, और एक एंट्री हमारी इस साइड से।
ये खाल के ऊपर से एक यहाँ पर एक मेरे ख्याल से एक वो आएगा, फुट ओवर ब्रिज आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पर आएगा। मैं अगर देखूँ स्ट्रेट स्ट्रेट में ऐसे, तो वो यहाँ पे आएगा। ये वाला वॉल को ब्रेक किया जाएगा, फिर एक यहाँ पर बनेगा FOB। तो इसमें थोड़ा सा लगेगा, टाइम लग सकता है। और यहाँ अभी देख सकते हैं अंदर काम चल रहा है, रूफ पे लाइटिंग का काम हो रहा है अभी। भैया लाइटिंग का काम हो रहा है, लाइट लग रहा है, लाइट्स लग रहे हैं। कब तक पूरा ये लाइट वाला कंप्लीट हो जाएगा? लाइट वाला कब तक कंप्लीट होगा? हाँ ऊपर भी होगा ना। अच्छा यहाँ पे भी काम चल रहा है, कॉनकोर्स पे चल रहा है अभी। सो भैया ने बोला कि कॉनकोर्स पे चल रहा है दिसंबर तक, दिसंबर एक महीने में हो जाएगा ये वाला लाइटिंग काम कंप्लीट। हाँ और जल्दी? अच्छा अच्छा, तो भैया कह रहे हैं एक महीना नहीं लगेगा, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इधर से भी एक एंट्री है, ये साइड में भी है। तो गाइस ये है एंट्री एग्जिट गेट नंबर 1, जो कि सीधा नीचे से आ रहा है। अभी इसका बन रहा है स्ट्रक्चर, ऊपर का शेड बन रहा है। ये हमारा स्टेयरकेस कंप्लीट है, रेलिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। और ये है हमारा बिल्डिंग स्टेशन का बाहर से। और यहाँ इस पर कोई वो नहीं होगा, लिफ्ट नहीं होगी, लिफ्ट या एस्केलेटर मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि एस्केलेटर का यहाँ पर कट आउट नहीं है, ना कि कट आउट है, लिफ्ट का भी नहीं है कहीं यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एकदम मेन रोड पे है, तो उनके पास यहाँ पर स्पेस भी नहीं था। अब देखते हैं वो वाला जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये वाला आएगा निको पार्क एंड से। तो ये आप देख सकते हैं सुपर बोल निको और निको पार्क सामने है। तो ये आ रहा है हमारा निको पार्क से साइड से। तो यहाँ पे स्टेयरकेस बन गया है, ये है इसकी, ये साइड में है एस्केलेटर जो कि इंस्टॉल हो चुका है। ये एंट्रेंस है, लिफ्ट यहाँ पे आएगी नहीं, लिफ्ट का नहीं है यहाँ पे भी। ये शायद लिफ्ट का लग रहा, यहाँ पे लिफ्ट है, ये यहाँ पे लिफ्ट आएगी। देख सकते हैं ये लिफ्ट का बॉक्स है पूरा, सो नीचे से आएगी लिफ्ट। तो इस वाले पे लिफ्ट भी है और एस्केलेटर भी है। सो टोटल 3 एंट्री एग्जिट है, 2 है इस साइड में और एक है उल्टे साइड में। ये यहाँ पे एस्केलेटर का काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं ये ओपन किया जा रहा है एस्केलेटर। तो 2 है यहाँ पे अप एंड डाउन। ये वो एस्केलेटर, यहीं से एंट्री होगी गाइस।
सो गाइस, ये था अब तक का निको पार्क नॉलबर्न मेट्रो स्टेशन से अपडेट। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। टोटल मैंने आपको दिखाया अभी क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे एंड कितना काम अभी रिमेनिंग है। होपफुली 2 to 3 months के अंदर ये यहाँ पे काम, अभी मेरे ख्याल से फिनिशिंग वर्क एंड ऑलमोस्ट 35% काम अभी रिमेनिंग है, जो 3 to 4 months में आई गेस पूरा हो जाना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है ज़ोर शोर से। सो गाइस, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको सारे वीडियोस के मिलते रहें नोटिफिकेशन, और मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए एंड जितना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।